हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से चर्चा में है और उसके पीछे कारण ये है कि सेबी ने अडानी ग्रुप के मामले में हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिस पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना बयान जारी किया है एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए। अब इस पूरे मामले में कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ ये मामला है, कोटक महिंद्रा बैंक का क्या लिंक है अडानी ग्रुप से या हिंडनबर्ग रिसर्च से, और इस पूरे मामले से वीडियो में आपको बताएंगे। तो दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने मंगलवार 2 जुलाई को बताया कि उसने अडानी ग्रुप के शेयर्स को शॉर्ट करने के लिए अपने एक इन्वेस्टर पार्टनर के जरिए ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर का यूज किया था। इस ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर को कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया था और इसकी देखरेख की थी। कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और एक ब्रोकरेज फर्म भी है, जिसकी स्थापना उदय कोटक ने की थी। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़ी उसकी रिपोर्ट को लेकर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। करीब 46 पन्नों के इस नोटिस को 27 जून को जारी किया गया था और इसी के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च का बयान आया है। हिंडनबर्ग ने यह सवाल उठाया है कि आखिर सेबी ने अपने नोटिस में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम क्यों नहीं लिया। हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी ने हम पर अधिकार क्षेत्र का दावा करने के लिए काफी मशक्कत की है, लेकिन उसके नोटिस में साफ तौर से उस पार्टी का नाम नहीं लिया गया जिसका भारत से असल में संबंध है। वो पार्टी है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भारत की सबसे बड़ी बैंकों और ब्रोकरेज फर्म्स में से एक है, जिसकी स्थापना उदय कोटक ने की थी। हमारे इन्वेस्टर पार्टनर के लिए इसी बैंक ने ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया और उसकी देखरेख की, जिसका इस्तेमाल करके हमने अडानी के शेयर्स को शॉर्ट किया था। इसकी जगह इसने केवल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का नाम रखा और कोटक नाम को KMIL में ब्रीफ करके छुपा दिया। KMIL का मतलब है कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी ने शायद बिजनेसमैन को जांच के दायरे में आने से बचाने के लिए कोटक का नाम छुपाया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने पर्सनली सेबी की 2017 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता की थी और उन्हें यह शक है कि सेबी ने कोटक या कोटक बोर्ड के किसी दूसरे मेंबर का जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि किसी दूसरे शक्तिशाली भारतीय बिजनेसमैन को जांच की संभावना से बचाया जा सके, क्योंकि पहले ही हिंडनबर्ग ने इस चीज का आरोप लगाया है कि सेबी अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और अब हिंडनबर्ग का ये मानना है कि कोटक महिंद्रा का नाम ना लेके वो भारत के दूसरे बिजनेसमैन को भी जांच में फंसने से बचा रहे हैं। अब इस मामले में कोटक बैंक के प्रवक्ता का अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने पिछले साल 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में स्टॉक पर हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से ठीक पहले आया था। ग्रुप ने इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण और निराधार बताया था, इसे फैक्टलेस बताया था। इस मामले में 2023 के एंड तक अडानी ग्रुप को इन सारे आरोपों से छुटकारा मिल गया था, लेकिन अब सेबी ने एक्शन लिया है हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ। और सेबी ने बीते 27 जून को सिर्फ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ही नहीं बल्कि नाथन एडर्सन और मॉरिशस बेस्ड एफपीआई मार्क किंगडन को भी शो कॉज नोटिस जारी किया था। सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए ये एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि हिंडनबर्ग और एडर्सन ने सेबी एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन, सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस को वायलेट किया है। वहीं एफपीआई मार्क किंगडन पर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन के अलावा सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट पर एफपीआई रेगुलेशन के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अभी यह मामला थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि अब इसमें कोटक महिंद्रा का नाम भी आ गया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।